हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आमे पढ़ुते साहित्य सिंधु बहर सभ्यता और विज्ञान चैप्टर आरंभ करवा आउ थे आउ गोटे वीडियो आमे पढ़ी स्टार्ट लास्ट सम्यक धारणा दौचे। आमे जहाँ पढ़ी से लिखा था कि आमको जदि आम सभ्यतार सफलता पहुँचवाक आमको क्या फॉलो करने को पड़ो बा अवलंबन करने को रास्ता धरिया पड़ो विज्ञान रास्ता आमको धरवाक पड़ो। तेबे विज्ञान आम मानकर अवलंबन थिबा स्थले ताहा कौन तत्साहजे आम मैंने किपर अग्रसर हो किपर लक्ष्य स्थल में पहुँची पारा ता जानापी आम मान चेष्टा अनवरत लगि रही। एटी प्रबंधिक कौन कह जेहेतु से निजे जड़े विज्ञानी सरी विज्ञान सहित जड़ित व्यक्ति से जेहेतु जड़े रिसर्च स्कॉलर साइंस रो तो से लगी से सब जो विज्ञान सब जहाँ भी रिसर्च कर गवेषणा कर गवेषणा को जो निजर आत्म अनुभूति जो अच्छी ता विषय से आलोचना करें विज्ञान साहय सफलतार चबिकाठी सीना पाई किंतु केमिति करिबा से जो वेटा सीटा से कही कि तत्साहज आम मैंने किपर अग्रसर हो विज्ञान साहाज्य आम किपर अग्रसर होगा और किपर लक्ष्य स्थल में पहुँची पारा ता जानापी से स्कॉलर माने रिसर्च माने ह्यूमन बीइंग्स मानव समाज तापर अनवरत गोटे चेष्टाटे चली। विज्ञान को व्यापक अर्थ में व्यवहार कले आमे माने जानू जे कोनोसी विषय सम्य ज्ञान को विज्ञान कहते आम जदि विज्ञान को आम आउटे भलसे खोलताड़ अर्थ बाहर करवा तर पर्टिकुलर विज्ञान अर्थ कौन बा साइंस रो मीनिंग कौन जदि आम जानवा को चाहिबा ताले से लेखक कौन कि व्यापक अर्थ में जब आम गोटे वास्ट व्यापक हूँ गोटे बहुत बड़ क्षेत्र में व्यापक हूँ वास्ट वास्ट क्षेत्र में जदि आम विज्ञान व्यवहार कौन विज्ञान कौन बोली जदि आम जानवा को चाहिए तेल विज्ञान हूँ कौन सम्य ज्ञान को कौनसी विषय सम्य ज्ञान कौनसी विषय साधारण ज्ञान को आम विज्ञान कहू था मात्र साधारण तो जड़ और जीवंत विषय सुसंबंध श्रृंखलित सम्य ज्ञान को विज्ञान रूपे व्यवहार करा जाए। साधारण ज्ञान सम्यक हूँ जनरल नॉलेज जो अच्छी सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे व्यवहार करा जाए थे जेकोसी जड़ फिजिकल जड़ जो आमर अच्छी फिजिकली फिजिकल हो कि बा जीवंत माने लाइफ लाइफ साइंस हो कि मरी जाए थी कि जहाँ कि लिविंग थिंग्स बा नॉन लिविंग थिंग्स जड़ हूँ नॉन लिविंग थिंग्स जो मानक भितर जीवन नहीं एवं जीवंत हूँ नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स जो माने जीवन जो माने निश्वास प्रश्वास नौ जो माने प्रजनन कर प्रोडक्शन करुँचं पिऊँच डेली लाइफ बचुँच से माने लाइफ माने नॉन लिविंग थिंग्स विषय सुसंबंध भल भाव संबंधित एवं श्रृंखलित गोटे सब जिन गोटे प्रिंसिपल अच्छी मैनेजमेंट अच्छी सब जिन ठीक समय कले ही आमको ताकू गोटे सिस्टमेटिक कले ही आम लाइफ जमी स्मूथ हो जाए से भाई सब से विषय जदि सम्य ज्ञान साधारण ज्ञान जो अच्छी विज्ञान रूपे आम धरिबा तेणुक आम मैंने गोटे सिंपल वर्ड रे जदि आम कह विज्ञानटा कौन विज्ञान हूँ मानने आम मैंने कौन सी विषय सम्य ज्ञान मैंने साधारण जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान को आम विज्ञान बोली कह तेणु साधारण व्यवहूत अर्थ जहाँ व्यापक अर्थ मध्य ही बुझाई थाए कि साधारण व्यवहार होता अर्थ जहाँ आम बड़ अर्थ रे भी से अर्थ तार मीनिंग चेंज हुए नी मीनिंगटा सेम ही रहे कहीं जड़ जीवंत विषय कहले विश्व ब्रह्मांडर सकल पदार्थ को तन्मध्य एकत्र करागला जदि आम लिविंग थिंग्स आउ नॉन लिविंग थिंग्स बा जड़ आउ जीवंत लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जीवंत बा जड़ एम विषय जदि आम कौन विषय कथबार्ता आम जब आलोचना करवा आमर जो सकल विश्व ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांडर सबू जिनस आसूची लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग साइंस दुई भाग में विभक्त हो गोटे जड़ आ गोटे जीवंत बा विज्ञान तो से सकल पदार्थ को तन्मध्यरु एकत्र करा गला तो
ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ନେବା ଗୋଟେ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ପ୍ରକୃତିର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ନେବା ସେ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାଠ ବା ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଏସବୁ ହେଉଛି ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ବା ଜଡ଼, ଆଉ ଗଛଟି ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଗଢ଼ିଛି ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଗଛ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟିଯାଉଛି ମରିଯାଉଛି ବା କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶୁଖା କାଠଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ। ତ ଆମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏଇ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲେବା ହେବା ତା। ତେଣୁକରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାହା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କର କଳା ବିଦ୍ୟା ବା ଯେଉଁ କଳା ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଫିଲୋସଫି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସାଇକୋଲୋଜି, ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୃତି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି ସେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଆର୍ଟ୍ସ ବା ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥା, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ବି ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଫିଜିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ଫିଜିଓଲୋଜି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼େଇବି, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।